हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के सभी इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही कि फुटबॉल जो है एक बहुत ही पुराना खेल है और इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं रूल्स में। तो यहाँ पे इस साल 1 जून 2019 से बहुत ज़्यादा जो है रूल्स में बदलाव आए हैं और बहुत सारे रूल जो हैं इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फुटबॉल के बेसिक रूल्स क्या हैं और इस साल कौन से नए रूल आए हैं फुटबॉल में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फुटबॉल जो है 90 मिनट का खेल माना जाता है जिसमें 45 मिनट के दो हाफ्स होते हैं और इन दो हाफ्स के बीच में 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक होता है। इन 90 मिनटों में खेलने वाली दोनों टीम का मकसद ये होता है कि वो दूसरी टीम से ज़्यादा गोल स्कोर करें। कभी कभार मैच के हिसाब से खेल जो है 90 मिनट से ज़्यादा का हो जाता है, जिसे हम इंजरी टाइम भी कहते हैं। इन 90 मिनट्स में अगर खेल का नतीजा ना निकले तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी इसमें ऐड किया जाता है और अगर नतीजा उसके बाद भी ना निकले तो आखिरकार गेम पेनल्टी शूट आउट तक जाता है और जो टीम ज़्यादा पेनल्टी शूट करती है वो मैच जीत जाती है। एक प्रोफेशनल फुटबॉल मैच जो है दो टीमों के बीच में खेला जाता है और हर टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से एक खिलाड़ी जो है गोलकीपर होता है और बाकी के 10 होते हैं आउटफील्ड खिलाड़ी। मैच के दौरान आप 3 खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि उन खिलाड़ियों के बदले कोई और प्लेयर आ सकता है और इसकी लिमिट सिर्फ 3 ही होती है। किसी भी टीम के पास अगर फील्ड पे 7 से कम खिलाड़ी हैं तो वो मैच वहीं रोक दिया जाएगा और दूसरी टीम को विनर माना जाएगा। टाइम और खिलाड़ियों के बारे में जानने के बाद अब हम बात करेंगे फुटबॉल फील्ड की। एक स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड की लंबाई 90 मीटर होनी चाहिए और चौड़ाई जो है 45 होनी चाहिए। फुटबॉल का जो सारा खेल है वो इन्हीं डायमेंशंस के अंदर मान्य होता है और अगर बॉल जो है बाहर जाती है तो वो थ्रो इन, गोल किक या कॉर्नर किक के थ्रू अंदर लाई जा सकती है। सो इस तरह से देखिए, एक बॉल इन और आउट मानी जाती है। एक बॉल को अगर आउट होना है तो वो पूरी तरह से लाइन को क्रॉस करनी चाहिए और अगर वो रीबाउंड करके गोल पोस्ट से या फिर फ्लैग से वापस आती है तो वो बॉल इन ही मानी जाएगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए मैदान में खिलाड़ियों के अलावा 3 या 3 से अधिक रेफरी भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक रेफरी जो है फील्ड में घूमता है जिसे हम मैच का ऑफिशियल रेफरी मानते हैं। वहीं 2 जो रेफरी होते हैं वो लाइन्समैन होते हैं जो कि मैदान में फील्ड के बाहर होते हैं। ऑफिशियल रेफरी का काम ये होता है कि वो खिलाड़ियों, फ्री किक्स, पेनल्टीज, फाउल्स वगैरह पर ध्यान रखे। वहीं इसके अलावा जब किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो वो मैच को रोक भी सकता है। वहीं अगर हम बात करें लाइन्समैन की तो इनका काम होता है थ्रो इन, ऑफसाइड और कॉर्नर किक्स पे ध्यान रखना। एक प्रोफेशनल रेफरी जो है खिलाड़ी के इरादे और तीव्रता के हिसाब से फाउल दे सकता है। दूसरी टीम के पेनल्टी एरिया में फाउल करने पर रेफरी जो है पेनल्टी किक दूसरी टीम को अवार्ड करता है। वहीं अगर हम बात करें बाकी मैदान की तो वहाँ पर रेफरी फ्री किक देते हैं। मैदान पर अगर बहुत सारे फाउल्स हो रहे होते हैं तो रेफरी के पास एक स्पेशल अधिकार होता है, जिसका मतलब ये है कि वो मैदान में येलो और रेड कार्ड का प्रयोग कर सकता है। येलो कार्ड का रेफरी प्रयोग तब करता है जब ऑफेंस जो हो कुछ छोटा हो। अगर खिलाड़ी जो है दूसरे ओपोनेंट को पकड़ रहा है या फिर उसकी जर्सी को खींच रहा है पीछे से या फिर छोटा टैकल किया है उसने, तो उस हिसाब से उसे मिलता है येलो कार्ड। जहाँ येलो कार्ड जो एक वार्निंग के समान होता है, वहीं रेड कार्ड का प्रयोग रेफरी बहुत ही सोच समझकर करते हैं, क्योंकि रेड कार्ड पाने वाला खिलाड़ी गेम से बाहर हो जाता है। रेड कार्ड का प्रयोग रेफरी खिलाड़ियों के बीच में धक्का मुक्की के दौरान, रेफरी पर अभद्र टिप्पणी के दौरान और बहुत ही बड़े टैकल के दौरान करते हैं। इसके अलावा गोल में जाती हुई बॉल को अगर खिलाड़ी अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे तो वो भी एक रेड कार्ड ऑफेंस माना जाता है। सो दोस्तों, फाइनली अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रूल के बारे में जो कि अपने साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज लेकर आता है। तो अब हम जानेंगे ऑफसाइड रूल के बारे में। एक खिलाड़ी जो है ऑफसाइड पोजीशन में तब माना जाता है जब वो पास देने के दौरान आखिरी डिफेंडर से आगे निकल गया होता है। ऑफसाइड पोजीशन से बचने के लिए अटैकिंग खिलाड़ियों के हाथ और बाजुओं के अलावा उसका सारा शरीर जो है दूसरी टीम के आखिरी डिफेंडर से पीछे या उसके बराबर होना चाहिए। ऑफसाइड पोजीशन पे हो जाने पर असिस्टेंट रेफरी यानी कि लाइन्समैन जो है फ्लैग उठाकर इसका इशारा कर देते हैं और ऑफिशियल रेफरी जो है मैच का गेम को तभी रोकता है और दूसरी टीम को फ्री किक प्रोवाइड करता है। फाइनली बहुत सारे रूल से बचकर एक खिलाड़ी जब गोल पोजीशन में पहुंचता है तो वो एक गोल करने के लिए बेताब रहता है और गोल तब होता है जब पूरी तरह से एक गेंद जो है गोल लाइन को क्रॉस कर जाए। वहीं अगर आपकी गेंद जो है वो पूरी तरह से अगर गोल लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती है तो वो गोल मान्य नहीं होगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। वहीं अब हम बात करेंगे देखिए ऐसे रूल्स की जो 2019-20 सीजन से नए आए हैं और ये जो इंप्लीमेंट किए गए हैं देखिए जून 1 2019 से। सो इनके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहला रूल जो चेंज हुआ है वो है फ्री किक लेने का। यहाँ पे वॉल जो होती थी फ्री किक के दौरान जो 3 या 3 से अधिक जो होगी उसमें देखिए अब कोई भी अटैकिंग प्लेयर नहीं होगा और जो सारे अटैकिंग प्लेयर हैं वो 1 मीटर से दूर होने चाहिए। दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो वो है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो अब देखिए जो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूटेड होने वाला है वो अपने सबसे नज़दीकी पॉइंट जो फील्ड से है उससे बाहर जा सकता है। पहले देखिए वो जाता था टेक्निकल एरिया के पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। किक ऑफ के टॉस के दौरान अब आपको देखिए ये भी चूज़ करने को मिलेगा कि आप किक ऑफ करना चाहते हैं या दूसरी टीम से करवाना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ आप ये चूज़ कर सकते थे कि आप कौन सी साइड अटैक करने वाले हैं। कार्ड की अगर हम बात करें तो येलो कार्ड देखिए अब परमानेंट दिया जाएगा जब भी शर्ट कोई रिमूव होती है, ये रूल वैसा का वैसा ही बना रहा। वहीं इसके अलावा देखिए येलो और रेड कार्ड जो है अब कोचिज या फिर मैनेजर को भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए हैंडबॉल का रूल जो है वो इम्प्लीमेंट ये हुआ है कि अगर आपका हैंडबॉल गोल है भले ही वो एक्सीडेंटल भी है तब भी देखिए दूसरी टीम को फ्री किक दी जाएगी। पेनल्टी किक्स की अगर हम बात करें तो गोलकीपर का एक पैर जो है या तो गोल लाइन के अंदर होना चाहिए या उसके ऊपर होना ज़रूरी हो गया है। इन सब रूल्स के अलावा देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो है जुलाई 11 2019 से इंप्लीमेंट हुआ है और ये हुआ है रेसिज्म के खिलाफ। देखिए खिलाड़ी जो होते हैं फुटबॉल में कई ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन और कलर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अभद्र टिप्पणी का शिकार होते हैं जब भी वो स्टेडियम में आए होते हैं। तो यहाँ पे अगर रेफरी को ये लगे कि सिचुएशन जो है हैंडल नहीं हो रही बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट के बाद भी तो वो एक गेम को पॉज कर सकता है और उसके बाद अगर तब भी सिचुएशन ना सुधरे तो वो यार गेम को एंड भी कर सकता है। सो दोस्तों ये थी वीडियो देखिए फुटबॉल के बेसिक रूल से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपका फुटबॉल का नॉलेज और ज़्यादा बड़ा होगा। वहीं जो रेगुलर वॉचर हैं या रेगुलर फैन है फुटबॉल के उनके लिए ये वीडियो थोड़ी सी यहाँ पे बोरिंग लगी होगी क्योंकि उनको ज़्यादातर रूल्स पता होते हैं पहले से। तो उनके लिए देखिए कल जो है वीडियो आ जाएगी वीकेंड के फुटबॉल मैचेस के ऊपर। और फिलहाल के लिए हमेशा की तरह देखते रहें और सपोर्ट करते रहें फ्री किक सिंह।